तो गाइस वो जो मेट्रो रेल खड़ी है वहाँ से हम आए हैं और इधर बन रही है हमारी जो न्यू पार्लियामेंट है वो बिल्डिंग, और इधर से चलते हैं इधर की तरफ, इधर की तरफ हमें जाना है। तो गाइस यार फाइनली पहुँच तो गए हैं यहाँ पे, लेकिन हुआ ये कि मैं काफ़ी लेट हो गया यहाँ आने में। उसका रीज़न ये था कि जब मैं घर से निकला तो मैं पर्स लेना भूल गया, मेरे बैग में कुछ 50 रुपये पड़े हुए थे। तो जब मैं काफ़ी दूर आ गया मतलब घर से, तो वहाँ से फिर से वापस जाना पड़ा, और इसलिए मैं थोड़ा लेट हो गया आने में, बट फिर भी वर्थ इट है यहाँ आना। पीछे जो आप देखेंगे तो राष्ट्रपति भवन है, और मेरे सामने की तरफ है अभी इंडिया गेट, और इंडिया गेट तक जाने के लिए बीच में जो रोड है इसके लिए हमें यहाँ से लेना होगा अंडरपास, जो कि न्यूली बने हुए हैं। एंड चलते हैं उधर की तरफ, सामने बैरिकेडिंग हो रखी है क्योंकि हम इधर से नहीं जा सकते, तो हमें जाने के लिए लेफ्ट में अंडरपास से होकर जाना होगा। रश बहुत ज़्यादा है भाई साहब, बहुत ज़्यादा रश है, और होना भी चाहिए क्योंकि ये आज इसका आखिरी दिन है। जो यहाँ पे कल्चरल प्रोग्राम चल रहा है, सांस्कृतिक जो कार्यक्रम हो रहे हैं, तो भीड़ आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा है यहाँ पे। सामने इंडिया गेट है और पीछे की तरफ राष्ट्रपति भवन के नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक। ये पूरा 3.2 किलोमीटर की सड़क जो कि पहुंचती है इंडिया गेट पे, और उसी के पीछे जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो मूर्ति है वो स्थापित की गई है, और वो रिप्लेस किसको की गई है, रिप्लेस किया गया है इंग्लैंड के जो 1911 में जो राजा थे जॉर्ज फाइव, तो उनकी जो स्टैचू यहाँ भी लगी हुई थी उनको रिप्लेस करके यहाँ पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस को स्थान दिया गया। दोस्तों इंडिया गेट अंग्रेजी सरकार द्वारा बनाई गई कुछ मुख्य इमारतों में से एक है जो कि कर्तव्य पथ पर स्थित है। कर्तव्य पथ का मूल नाम किंग्सवे था, जिसे आज़ादी के बाद उसके हिंदी नाम राजपथ के नाम से पुकारा जाने लगा, और अब ये बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया गया है। दोस्तों इंडिया गेट के अगर निर्माण की बात करें तो इसका निर्माण 10 फरवरी 1921 में शुरू हुआ था, और इसका ओरिजिनल नाम ऑल इंडिया वॉर मेमोरियल था, क्योंकि इंडिया गेट को उन 84,000 सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए बनाया गया था जो कि 1914 से 1921 के दौरान फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, फ्रांस, मेसोपोटामिया, पर्शिया, ईस्ट अफ्रीका, गैलियोपोली में और जहां कहीं भी अंग्रेज़ों के लिए लड़ते हुए शहीद हुए थे। इन 84,000 सैनिकों में से 13,300 सैनिकों के नाम इंडिया गेट पर लिखे हुए हैं, जिनमें 12,260 इंडियन सैनिकों और कुछ अंग्रेज अफसरों के नाम भी शामिल हैं। 1972 में बांग्लादेश लिब्रेशन वॉर के बाद काले मार्बल का एक स्ट्रक्चर जिसमें एक रिवर्स राइफल कैप्ड बाय हेलमेट एंड 4 एटर्नल फ्लेम्स थे, उसको इंडिया गेट के ठीक नीचे लगाया गया था, जिसको अब पास में ही शिफ्ट कर दिया गया है। इंडिया गेट के ठीक सामने एक छत्र बनाया गया था जिसमें उस समय के अंग्रेज सम्राट जो कि इंग्लैंड में राज कर रहे थे, जिनका नाम जॉर्ज फाइव था, उनका स्टैचू लगा हुआ था, जिसको अब सुभाष चंद्र बोस जी के स्टैचू के साथ रिप्लेस कर दिया गया है। इंडिया गेट जिसे पूरे 2 साल बाद 2022 में पब्लिक के लिए खोल दिया गया है, अब यहाँ का नज़ारा देखते ही बनता है। कर्तव्य पथ के दोनों ओर पार्क और नहरों के सेक्शन बना दिए गए हैं, चलने के लिए दोनों ओर ग्रेनाइट के फुटपाथ बने हैं, और सड़क के दोनों ओर एंटी क्लैम्प पोल्स लगे हैं जो इस जगह की खूबसूरती और बढ़ा देते हैं। दोनों ओर बड़े फाउंटेन्स लगे हैं और रोड क्रॉस करने के लिए कई सारे अंडरपास बना दिए गए हैं।
कुल मिलाकर इंडिया गेट पहले से ज़्यादा साफ सुथरा, सुविधाजनक और लोकप्रिय मोनूमेंट बन गया है। रात को तो इसकी खूबसूरती में चार चांद लग जाते हैं, जब यहाँ रंग बिरंगी रोशनी से पूरा इंडिया गेट नहा जाता है। अगर आप भी फैमिली के साथ या दोस्तों के साथ दिल्ली में पास में ही कोई आउटिंग प्लान कर रहे हैं तो इंडिया गेट एक अच्छी जगह रहेगी आपके लिए। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू। अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें। थैंक्स अगेन, फिर मिलेंगे।